डिस्पर्शन ऑफ लाइट, देखो डिस्पर्शन ऑफ लाइट बेसिकली है क्या, व्हाइट लाइट का सात रंगों में टूट जाना जब वो प्रिज्म में से पास करती है इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो जब डिस्पर्शन होती है, व्हाइट लाइट सात रंगों में टूटती है, तो सबसे ज्यादा जो ये डेविएशन है, सबसे ज्यादा डेविएट कौन करती है, वॉयलेट, सबसे कम कौन करती है, रेड। तो ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट बीम इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स बाय पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। तो प्रिज्म में से जब पास करके सात रंग बनते हैं वो बेसिकली क्या है, जो डिस्पर्शन है। और इस बैंड ऑफ सेवन कलर को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम निकला। न्यूटन ने ऐसा कोई फॉर्मूला किया था वैसे इसमें आता नहीं है, डिस्पर्शन पे एक प्रिज्म सीधा एक उल्टा, हम ये करेंगे वैसे प्रिज्म नेक्स्ट लेक्चर में। व्हाइट लाइट आएगी, सात रंगों में स्प्लिट हुई, उसमें प्रिज्म ऐसा रखा, फिर से व्हाइट लाइट द्वारा उसने कन्वर्ट कर दी। पर ये इसने कैसे किया इसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, आज इसकी जरूरत नहीं करने की। सबसे पहले इसके अंदर जो रिजल्ट है, जो मेन रिजल्ट है, वो प्रिज्म के ऊपर है और कैलकुलेटिंग एंगल ऑफ डेविएशन के ऊपर है। ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, मान लो ये प्रिज्म है, प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म टॉप मोस्ट पॉइंट ए है, लाइट आई, ये नॉर्मल है, रीफ बेंड हो गई टूवर्ड्स नॉर्मल, फिर से ये नॉर्मल है अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइट आई टूवर्ड्स नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई, राइट। तो इस केस में नॉर्मल के साथ लाइट ने एंगल क्या बनाया, आई वन, और रिफ्रैक्शन का एंगल नॉर्मल के साथ क्या बना, आर वन। ऐसे ये रिफ्रैक्शन का एंगल आर टू और बाहर एमरजेंस का एंगल क्या है, आई टू। ये स्टैंडर्ड एंगल है, ये आपने आई वन लेना है, ये आपने आई टू लेना है, ये आपने आर वन लेना है, ये आपने आर टू लेना है। दोनों नॉर्मल्स को मिला लिया, दोनों नॉर्मल्स कहां पे मिले, ओ पॉइंट पे मिले, ये भी क्लियर है यहां तक। और अगर लाइट जो इंसिडेंट हुई थी, जो लाइट इंसिडेंट हुई थी, अगर वो रिफ्रैक्ट ना होती, वो सीधी चली जाती, वो सीधी चली जाती, पर फाइनली गई कहां पर, यहां पर गई रिफ्रैक्शन के बाद। तो कितना डेविएट हो गई अपने पाथ से, इतना डेविएट हो गई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो डेविएशन का एंगल डेल्टा ये होता है। तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो इसमें नाम याद हो गया एंगल्स के, आई वन आर वन आई टू आर टू डेल्टा, नॉर्मल का एंगल जहां मिलेंगे ओ, प्रिज्म का एंगल ए, ठीक। तो इसको आगे करने के लिए ये देखो, सबसे पहला इसमें पॉइंट हमने क्या करना है, पहला पॉइंट है इसमें कि अगर हम एंगल की बात करते हैं तो ये एंगल कितना है, आई वन है, बाय वर्टिकली ऑपोजिट ये एंगल भी क्या होगा, आई वन होगा, ये आई वन होगा, ये आर वन है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ, आई वन माइनस आर वन, राइट। तो ये क्लियर है, ये वाला एंगल मैं बोल रहा हूं, ये एंगल क्या होगा, आई वन माइनस आर वन। उसी तरीके से I2 है, ये पूरा I2 में से R2 गया, तो ये वाला एंगल क्या हुआ, I2 माइनस R2, क्लियर है यहां तक। तो ये हो गया I1 माइनस R1, ये हो गया I2 माइनस R2, राइट। तो अब इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल है I1 माइनस R1, ये एंगल है I2 माइनस R2, डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल क्या है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो ये पहला रिजल्ट क्लियर है, पहला रिजल्ट है डेल्टा इज इक्वल टू आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू, क्लियर है यहां तक। तो डेल्टा इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो ये पहला रिजल्ट है, आई वन वाली टर्म को एक तरफ, माइनस आर टू वाली टर्म को एक तरफ। तो आप इसको प्लीज बॉक्स में डाल लें, ये आपका पहला फॉर्मूला है। आपको न्यूमेरिकल में डेविएशन के एंगल निकालने होते हैं, इसमें कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, इसमें बस फॉर्मूला ही निकल के आएंगे। तो डेविएशन का पहला फॉर्मूला क्या आएगा, आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन प्लस आर टू, राइट। दूसरा, अब आप एक चीज बताएं इसमें, यहां पर ये जो एंगल देख रहे हो, ये वाला एंगल, ये कितना है, आर वन है, ये एंगल कितना है, आर टू है, और ये एंगल कितना है, ओ। तो इस ट्राइंगल के अंदर आर वन प्लस आर टू प्लस ओ की वैल्यू कितनी है, 180। क्या स्टेप क्लियर है, ट्राइंगल के एंगल का सम इज इक्वल टू कितना, 180। अच्छा ये बताएं, इस पूरे फिगर में ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये भी एक नॉर्मल है डॉटेड लाइन वाला। तो अगर मैं ये क्वाड्रिलेटरल लूं, ये रहा क्वाड्रिलेटरल, इसमें ये 90 90 है, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ किसके इक्वल है, 180। और मैंने आपको ये भी बताया कि आर वन प्लस आर टू
प्लस एंगल ओ किसके इक्वल है 180, इन्हें इक्वेट कर लो ओ से ओ कैंसल, तो आर वन प्लस आर टू का सम किसके इक्वल आएगा ए के। तो यही किया हुआ है, एक बार ट्राइंगल ले लिया, एक बार क्वाड्रिलेटरल ले लिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, ओ एंड ओ कैंसिल कर दिया। तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपने याद करना है वो ये मार्क करें, ये मार्क करें, बॉक्स बॉक्स में डालें प्लीज। तो दूसरा फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल्स में काम आएगा वो क्या आएगा, आर वन प्लस आर टू का सम किसके इक्वल आएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल आएगा। और ये भी नोट कर लें, आर वन एंड आर टू बोथ आर नोन एज रिफ्रैक्टिंग एंगल्स, रिफ्रैक्टिंग एंगल्स लिख लें, आर वन आर टू आर नोन एज रिफ्रैक्टिंग एंगल्स। तो पहला फॉर्मूला क्या आया था डेल्टा का, क्या था, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, पर R1 प्लस R2 किसके इक्वल है A, तो उसी फॉर्मूले में R1 प्लस R2 की जगह क्या पुट कर दें A। तो बनाओ नेक्स्ट फॉर्मूला, ये नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए, डेल्टा का I1 प्लस I2 माइनस A, इसको बॉक्स में डाल लें। तो डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, ठीक है। क्वेश्चन डेल्टा निकालने पे आता है, तो डेल्टा के कई फॉर्मूलाज आ रहे हैं, वैसे मेन फॉर्मूला तो एक ही चल रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में अगर मैं इस फिगर में स्नेल्स लॉ लगाऊं, ध्यान आगे, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई वन बाय साइन आर वन, ये स्नेल्स लॉ लगाया। अगर मेरे एंगल प्रिज्म में छोटे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अगर एंगल छोटे हैं उस प्रिज्म को बोलते हैं थिन प्रिज्म, तो वर्ड लिखा होगा न्यूमेरिकल में थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म में एंगल छोटे होते हैं, तो नॉर्मल प्रिज्म में छोटे नहीं होते। तो ये एंगल साइन आई वन को आई वन लिख सकते हैं, साइन आई आर वन को आर वन लिख सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई वन क्या आएगा, म्यू टाइम्स आर वन। उसी तरीके से आई टू क्या आएगा, म्यू टाइम्स आर टू। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा निकालने का, आई वन प्लस आई टू माइनस ए, ये हमने फॉर्मूला याद किया था। थिन प्रिज्म के लिए एंगल जब छोटे हैं तो आई वन की जगह म्यू टाइम्स आर वन, आई टू की जगह म्यू टाइम्स आर टू, म्यू कॉमन आ गया, आर वन और आर टू का सम क्या था ए, ए कॉमन निकाल लो तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। तो डेल्टा निकालने का एक और रिजल्ट है, अ पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपके एंगल छोटे हैं, कितने छोटे, वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री, फोर डिग्री, इतने छोटे, या थिन प्रिज्म लिखा हुआ है, फिर तो डेविएशन का ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर कुछ नहीं लिखा, बस सिंपल प्रिज्म है, कोई थिन नहीं, कोई एंगल छोटे नहीं, 60 डिग्री, 45 डिग्री, फिर पुराने जो फॉर्मूले किए थे जिसमें फॉर्मूला ये किया था I1 प्लस I2 माइनस A, फिर ये फॉर्मूला लगेगा, फिर ये मत लगाना। तो ये फॉर्मूला सिर्फ छोटे एंगल्स के लिए लगेगा, बाकी नॉर्मल प्रिज्म के लिए यही फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है यहां तक, फॉर्मूलाज क्लियर है इसमें, कोई डाउट इसमें, ठीक, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। प्रिज्म फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म फॉर्मूला देखो, प्रिज्म फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, प्रिज्म फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू निकाल के देता है हमें। प्रिज्म फॉर्मूला लगाने के लिए आप सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं जो आपने इसमें ये अभी किया, सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो डेविएशन होती है डेल्टा, डेल्टा ये इंपॉर्टेंट है, डेल्टा ये क्या ली जाती है, मिनिमम। अब ये ना एक एक्सपेरिमेंट है, ये कोई हम अभी प्रूफ नहीं कर रहे, अगर आप एक्सपेरिमेंट करें प्रिज्म का और उसके अंदर आप चाहते हैं कि मिनिमम डेविएशन आए, और आपने मिनिमम डेविएशन निकाल दी कि लाइट कम से कम बेंड हो, मिनिमम डेविएशन हो, तो उसकी एक कंडीशन है जो निकाली जाती है। और क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर आप चाहते हो कि डेल्टा मिनिमम आए तो आई वन की वैल्यू आई टू के इक्वल होनी चाहिए और R1 की वैल्यू R2 के इक्वल होनी चाहिए, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो अगर I1 I2 के इक्वल है, R1 R2 के इक्वल है, तो आपकी डेविएशन क्या पाई जाएगी, मिनिमम। और मिनिमम डेविएशन में जब लाइट इसमें एंटर करेगी, रिफ्रैक्ट होके बाहर निकलेगी, तो ये कंडीशन नंबर थ्री,
ये लाइट इसके हमेशा पैरेलल ही होगी। तीन कंडीशन याद रखनी है। पहली, अगर मिनिमम डेविएशन है तो आई वन आई टू के इक्वल है, आर वन आर टू के इक्वल है, और एक्सपेरिमेंट के दौरान ये दोनों, ये जो लाइट जाएगी वो बेस के हमेशा पैरेलल ही जाएगी, तभी ये डेविएशन क्या कहलाएगी? मिनिमम। प्लीज ये लिख लो कहीं साइड पे, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 करके। यहाँ तक क्लियर है? तो अब आई वन आई टू के इक्वल है, आर वन आर टू के इक्वल है। अब पुराने फॉर्मूलाज याद करो। पुराने फॉर्मूलाज में हमने पहला फॉर्मूला क्या किया था? आर वन प्लस आर टू किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। अब क्योंकि मिनिमम डेविएशन का केस है, प्रिज्म फॉर्मूला लगता ही मिनिमम डेविएशन पे है, तो आर वन और आर टू को आर पुट कर सकते हैं, आर प्लस आर, टू आर इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से आर क्या आएगा? ए बाई टू। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डेल्टा का फॉर्मूला हमने क्या किया था? आई वन प्लस आई टू माइनस ए। आई वन आई टू तो बराबर ही हैं, तो इनकी जगह क्या पुट कर लिया? आई। तो डेल्टा, अगर मैंने दोनों को बराबर कर दिया तो डेल्टा क्या हो गया? डेल्टा मिनिमम। तो यहाँ से आई निकाल लिया, तो हमने यहाँ से आर निकाल लिया, यहाँ से आई निकाल लिया, स्नेल्स लॉ लगा दिया, साइन आई बाय साइन आर, आई की जगह आई की वैल्यू, आर की जगह आर की वैल्यू, तो ये फॉर्मूला बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। बॉक्स में डाल के याद करो, दिस इज प्रिज्म फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगता है जब डेविएशन क्या होती है? मिनिमम होती है, नहीं तो नहीं लगता। क्लियर है यहां तक? तो इसको बॉक्स में डालना है आपने, ठीक। और अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें, या तय मार्क करने को, बनाने को भी ग्राफ प्लॉट करें, डेविएशन का वर्सेस आई, जब आप लाइट को एंटर करवाते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो वो डेविएशन डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट डिफरेंट डेविएशन होती है, तो ग्राफ ऐसा बनता है। और ये मिनिमम डेविएशन है जब आई वन इज इक्वल टू आई टू, या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस, तो ये मिनिमम डेविएशन का केस है। तो ये ग्राफ याद करना है आपने।